जिंदाबाद, महिला एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो जानो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बोलो जानो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बोलो जानो अमर रहे, अमर रहे। एकता दिसंबर महिला जमक तहन पे, जमक तहन पे, जमक तहन पे। जय झारखंड। मैं हूं आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तमाम महिलाएं यहां एकत्रित हुई है, महिला दिवस मना रही है। हमारे साथ में गोलपुर पंचायत की मुखिया है, क्या कहेंगे महिलाओं के लिए आज महिला दिवस है? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हम लोग फूलोझाना चौक, फूलोझाना के प्रतिमा के में हम लोग महिला दिवस मनाए सारे महिला मिल करके। और हम लोग 2017 में इस चौक का नामकरण किए हैं, फूलोझाना चौक नाम करके नामकरण किए हैं। तब से हम लोग इस चौक में हम लोग हमेशा हर एक साल हम लोग मनाते आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दो साल तो कोरोना के चलते हम लोग बड़ा प्रोग्राम नहीं मना सके और आज भी होली के चलते बड़ा प्रोग्राम नहीं कर सके। हम लोग फिर भी बहुत सारे महिला, इतना सारे महिला मिलकर हम लोग इस चौक में हम लोग महिला दिवस मनाएँ। और हम चाहते हैं हर एक महिला को जागरूक होना है, एक सभी महिलाओं को सशक्त होना है। हम लोग किससे कम नहीं है, हम लोग मिलके कोई भी काम हम लोग निकल सकते हैं। कोई भी कठिन से कठिन काम हम लोग, महिला भी कम नहीं है, हम लोग काम निकाल सकते हैं कोई भी काम हो। कितना लगता है कि आजकल जो महिलाएं हैं खासतौर पर आदिवासी महिलाएं कितनी मजबूत हुई है? क्योंकि जिस तरह का डर का माहौल, भय का माहौल, असुरक्षा का माहौल रहता है, तो महिलाओं कैसे सशक्त होगी ऐसे दौर में? सशक्त होगी, अभी बहुत सारे महिला अभी कम नहीं है, बहुत अभी मैंने बहुत डेवलप हो चुकी है महिला लोग। अभी कुछ कम ही महिला ऐसे है कि जो मैंने पीछे हैं, हमेशा अधिकतर अधिकतर महिला अभी बहुत मैंने आगे हो चुके हैं। और क्या संदेश देना चाहते हैं कि और महिलाओं को क्या करना होगा जो बेहतर हो सकता है समाज के लिए, देश के लिए, ऐसा क्या संदेश है आपका? ऐसा संदेश है, हम सारे महिला को हम अपने तरफ से जागरूक करना चाहूँगी। सभी महिला अपने घर में केवल खाना वाना पकाना नहीं, उससे बाहर भी निकलना है, अपना काम के लिए अपना पीछे नहीं रहना है, कुछ भी काम के लिए आगे चलना है और साथ में मिलकर हम लोग कुछ भी काम निकाल सकते हैं। तो ये थी तमाम महिलाएं आज महिला दिवस के अवसर पर यहाँ पर अपना कार्यक्रम को कर रही है। और बता दें कि 2017 में इसी चौक को फूलोझानो चौक का नाम दिया गया। फूलोझानो जो अपने आप में एक इतिहास है, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं के हक अधिकार के लिए कई काम संथाल परगना पर किया है और उसी को लेकर के आज तमाम महिलाएँ आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यहाँ मना रही है। वो अलग बात है कि होली का अवसर है इसलिए वैसी माहौल नहीं बन सका, लेकिन महिलाएँ सशक्त है, मजबूत है और आगे निकल के घर की चार दीवारी आगे निकल के समाज के साथ भागीदारी निभा रही है। बन रही आप लोग जोहार न्यूज़ साथ। धन्यवाद।